अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग स्कूल से आ गए हैं। बहुत मज़ा आया स्कूल में। नए मॉनिटर्स वगैरह भी बन गए हैं और एक हमारे पास सैड न्यूज़ भी है कि मेरी जो फ्रेंड हैं उनके सर में बहुत हेडेक था, उनको फीवर भी हो रहा था हल्का हल्का, और छुट्टी में वो बहुत डाउन थी। और अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ तो मैं घर आई हूँ तो मुझे ये पता चला है कि मम्मा की खुद इतनी मतलब डाउन चल रही है तबीयत, और मम्मा इस वजह से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही, आज मैं कर रही हूँ। और मम्मा, और वेदर चेंज हो रहा है, वजह से बहुत लोगों को फ्लू हो रहा है, तो आप लोग भी ठंडा पानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पिए, कम पिए, कम से कम पिए, और जो है अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी बहुत ख्याल रखें। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे हमें फ्लू बढ़ता जाता है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही अच्छे व्लॉग देखते रहिएगा। और आई होप आप लोगों का हमारे लाहौर वाले जो व्लॉग्स हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे बात नहीं कर, ये गलत बात है। आप लोग देखते हैं, हम लोग देख रहा था कि बहुत से व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन फिर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा गला बहुत ख़राब है और तबीयत भी सही नहीं है, हम इस मौसम में हो ही जाती है, और जो कि मेरी हो गई है तबीयत ख़राब, खांसी, नज़ला और सर में बहुत दर्द है। खाना बनाने आ चुकी हूँ, खाना बनाना लाजमी है बच्चों के लिए। मैं बना रही हूँ कीमा गोभी का कीमा और गोभी बना रही हूँ, और ये प्याज मैं डाल दूँगी इसके अंदर, इसको थोड़ा सा कच्चा पक्का फ्राई करूँगी। प्याज थोड़ी सी फ्राई होगी जब तक, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मसाले जो हैं वो रेडी कर लेती हूँ इस प्लेट में डाल के। जी ये मैंने रेडी कर लिए सारे मसाले, ज़ीरा, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, अदरक लहसुन और नमक, और ये थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया खुशबू के लिए, ठीक है। और ये टमाटर मैंने काटे हैं 3 से 4, और तबीयत ज़रा सेट नहीं है, ज़्यादा देर खड़ी नहीं होंगी, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें, अब ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल के चली जाऊंगी किचन से लाइट फ्लेम पर। इतना मेरा दिल नहीं कर रहा खड़े होने का, उतना प्याज ब्राउन होकर नहीं दे रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है, बस क्या करूँ, वेट करूँगी। चलें तो बस ये डाल देती हूँ मैं इसके अंदर, ऐसा पानी डालूँगी क्योंकि ये सूख चुका है, प्याज इतनी देर में हुई है मैं क्या करूँ। जी मसाले मैंने डाल दिए हैं, अब मैं टमाटर जो काटे थे 3 से 4 वो भी डाल दूँगी और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। जी तो काटने के बाद आइडिया हो रहा है कि ये ज़्यादा लग रही है मुझे, मैं इसलिए थोड़ी सी बचा लूँगी और मैं कीमा भी इसी के साथ डाल दूँगी। इतना मुश्किल है ना, कैमरे को भी मैनेज करो और फिर चीज़ें भी डालो बार बार, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। मैं सेटिस्फाई नहीं होती दूसरों के हाथ से, इसलिए मैं ख़ुद करती हूँ दोनों काम। अब मैं कीमा भी इसके साथ ही डाल देती हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह गल जाएं और मिक्स होके पक जाएं। कीमा मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना ढककर रख कर चली जाती हूँ थोड़ी देर, और जब तक ये रेडी होगा तो मैं किचन में आऊँगी, फिर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूँगी, बहुत मज़े का रेडी हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है खांसी बहुत ज़्यादा है, गला भी इतना ख़राब हो रहा है, दवाई खा रही हूँ, चाय भी पी है, कहवा भी पिया है, मगर अभी तक कोई गले में फ़र्क नहीं पड़ा है, गले में बहुत दर्द है मेरा मेरे, तो आप लोग प्लीज़ दुआ करें मेरा गला ठीक हो जाए। धनिया मैंने कटवा लिया लेकिन धनिया जो है वो एंड में डालूंगी, हरी मिर्चें मैं सोच रही हूँ कि अभी डाल दूँ क्योंकि हरी मिर्चों की खुशबू अच्छी आती है। और हाँ, जब मैंने ऑफ कैमरा थी तो 1 चमचा जो है गरम मसाला भी डाला है इसके अंदर, तो आप लोग भी डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, मेरा दिल कर रहा था मैंने डाल दिया। जी व्यूअर्स, ये मैंने इसमें से देखें बीच में कट लगा दिया है, और आप लोग भी लगा दें ऐसा और इसके अंदर डाल दें और खुशबू भी आ जाएगी और ये टेस्ट भी अच्छा कर देगी। तो मैं बस अब ये डाल के और इसको ढककर चली जाऊंगी अब
थोड़ा सा ऑयलिंग करवानी है मैंने, आंटी को रोका हुआ है कि थोड़ा सा ऑयल लगा कर जाए, सर में बहुत दर्द है। सुल्ताना बाजी हमारी बहुत अच्छा ऑयल लगाती हैं। ये हैं हमारी सुल्ताना बाजी जो अब मुझे ऑयल लगाएंगी, बहुत शर्माती हैं, तो बस आप इतना ही देख लें। और आप लोगों ने ऑयल लगवाना हो सर में तो मैं नंबर आपको दे दूंगी, आप इनसे लगवा लिएगा सर में ऑयल। और ये पराठे भी बहुत मज़े के बनाती हैं। अगेन वीडियो स्टार्ट किए मैंने, हसन हानिया सिपारा पढ़कर आ गए हैं, उन्हें फ्राइज़ खाने हैं, आलू मैंने निकाल लिए हैं, ऑयल डालूंगी पैन में, इतने ऑयल गर्म होगा और मैं आलू की कटिंग करूंगी, फिर बताती हूँ मैं आपको फ्राइज़ कैसे बनाऊंगी। यहाँ मैंने पैन रख दिया तो ऑयल गर्म हो गया ऑलमोस्ट, और ये हानिया ने मुझे चील कर दिए हैं क्योंकि हानिया को आइडिया है मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो हानिया मुझे आलू छील कर दे रही हैं और मैं कटिंग करूँगी। जी मैं हानिया को रेसिपी बताऊंगी और आप भी देखें। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन के अंदर मैं बनाती हूँ फ्राइज, ये तो ना बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, तो इसलिए चिकन पाउडर डालेंगे हम थोड़ा सा, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा ना। अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब जितने आप पोटैटो ले रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग चिकन पाउडर और बेसन, उसकी क्वांटिटी जैसे होगी फ्राइज की, मतलब जैसे पोटैटो आप जिस क्वांटिटी में लेंगे, मैंने 4-5 लिए थे तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। ये 1 स्पून डाल लें आप चिकन पाउडर, ये वाला चिकन पाउडर है, ये वाला चिकन पाउडर मैंने यूज किया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट, सॉल्ट डाल दें तो एक ही जगह पे मत डालिएगा, इसको फैला के डालिएगा। और ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर गरम मसाला, ओह सॉरी जी, इसके अंदर और ये डालेंगे चाट मसाला थोड़ा सा, तो मज़े का बनेगा चटपटा। और फ्राइज के अंदर आपको और ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए तो ये जिंजर पाउडर थोड़ा सा डालें और ये गार्लिक पाउडर थोड़ा सा डालें इसके अंदर, तो और मज़े का बनेगा। ये सारी चीज़ें हानिया ने इसके अंदर डाल दी थी, अब ये मिक्स कर रही हैं और ये मिक्स करके हम पोटैटो में डाल देंगे। जी तो अब बोलो, तो इसको जब ये अच्छी तरीके से मिक्स वेल किएगा, जब तक इसके अंदर लंग्स है तब तक हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसको अच्छे से छान लें। छान क्यों लें? छानते भी हैं इसको। अच्छा फिर ये मिक्स हो गया है, ये पाउडर हम, ये जो हमने अच्छी तरह सारा सामान रेडी किया है, ये हम फ्राइज के अंदर डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। और अगर आप लोगों को हाथ से करते हैं आप लोग, तो प्लीज आप या तो हैंड वॉश कर लीजिएगा या तो ग्लव्स आते हैं हैंड्स के वो पहन के इसको करिएगा। फिलहाल तो हम न्यू करते हैं, ऐसा आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से तरीके से। चले तो अब फ्राइज जो है वो रेडी हैं अंदर जाने के लिए, तो ये काम किसी बड़े से करवाइएगा आप लोग, अगर ये कोई आप अडल्ट नहीं है, टीन है, तो प्लीज ये किसी अडल्ट से काम करवाइएगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा जो ऑयल होता है उसके बहुत जो है स्पिट्स आते हैं तो ये हार्मफुल होता है। तो तो बस भैया का रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया है और अब मैं डिश करके देखती हूँ। बहुत मजे के हैं, आई रेटेड 10 out of 10, अच्छा। व्यूअर्स मुझे ये बताना था कि हानिया ने जो फ्राइज बनाए आप देखें इस ऑयल में बनाए थे, और ये ऑयल बिल्कुल साफ सुथरा है, कुछ भी इसके अंदर गंदा नहीं हुआ है। और अगर हम दूसरे फ्राइज बनाते हैं या मैं उसके अंदर मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड करती थी तो बहुत ज़्यादा ऑयल गंदा होता था, लेकिन जब से मैंने बेसन डाल के बनाना स्टार्ट किया है तो बिल्कुल साफ ऑयल रहता है। आप ख़ुद देखें, इसका मतलब ये है कि मैं इसके अंदर अभी कुछ और भी फ्राई कर लूँगी, जैसे कि नगेट्स बनाने हैं तो वो बना लूँगी, या कुछ और मुझे फ्राई करना होगा तो वो भी कर सकती हूँ आराम से इजी। बच्चे जो हैं वो फ्राइज़ खाएंगे और मैं ये चाइनीज़ क्रैकर्स बनाऊँगी,
क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, जो ज़्यादातर सूप के साथ भी बाहर आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो ये वहाँ मिलते हैं। अब मैं ये फ्राई करूँगी अपने लिए, मेरा बहुत दिल कर रहा था ये खाने का, फ्राइज़ में नहीं खाती। अच्छा, जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा फिर मैं ये डालूँगी इसके अंदर। एक ये फ्राई किया है, आप इससे आइडिया लगा लें कि ऑयल कितना साफ़ था। ये जैसे मैंने इसके अंदर फ्राई किया ये बिल्कुल वाइट ही है, इसका बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं हुआ। चले, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये हो गया होगा ऑयल, मैं डालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी बहुत मेडिसिन ले ली थी तो इतनी हो गई कि मैं रेडी हो गई हूँ, जाना है मुझे कज़न के यहाँ मिलाद है। तो हानिया और सिस्टर मेरी और भाभी वो भी साथ जा रही हैं, तो उन लोगों ने फ़ोर्स किया कि आप जाएंगी तो हम जाएंगे, इसलिए मुझे रेडी होना पड़ा और बस थोड़ी देर तक हम लोग निकल रहे हैं मिलाद के लिए। तो मैंने सोचा चलें, आज सुबह से आप लोगों ने मुझे नहीं देखा इस व्लॉग में, तो क्यों ना मैं रेडी होकर अपने आप को अपना फेस जो है दिखा दूँ। और बस हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में, फिर आपको आगे वीडियो बनाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी। जी व्यूअर्स, मैं आ गई थी मिलाद में और मिलाद सुन लिया, बहुत अच्छा था। और पता चला यहाँ के कि भाभी भी आई हुई हैं, भाभी को देखें आप लोग, ये बड़ी ताई हैं और ये छोटी ताई हैं। हुमायूं भाई भी आए हैं, आशीवा जी भी आई हैं, ये रोमाना भाभी हैं और ये दोनों, इनके घर मिलाद है और ये इनकी जेठानी है और ये देवरानी है, देवरानी के घर मिलाद था। बहुत अच्छा लगा हम सब, बहुत मज़ा आया। और अब बस हम खाना खाएंगे थोड़ी देर में और फिर घर के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। अरे उसकी बना रही है। अरे मैं चलो भाई, गुल्लो भाभी ने खाया नहीं, खा लो, छोड़ा भी नहीं उन्होंने, खा के ही गई है बहन। और आपको कैसा लगा मिलाद? मजा आया? आशी भाभी, आशी आओ जल्दी आओ, भाई खिला रहे अपने हाथ से, यहाँ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। क्या पागल, बड़ा मजा आया। तुम्हारे मुंह में कोई मट्टी आई, कुछ आया? ईमानदारी से बताओ, कुत्ते ने साफ करी होगी। और इन्होंने ही बोली थी, बोला जी व्यूअर्स, ये देखे मेरे छोटे छोटे फैन मिले मुझे जो मेरे चैनल को देखते हैं। इनकी मदर ने कहा इनके साथ वीडियो बनाए, इसलिए मैं इनके साथ वीडियो बना रही हूँ। तो ये है मेरे छोटे छोटे फैन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मस्ट बोलो बोलो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बोल रही है बच्ची आवाज मेरी तरह गला खराब है, तो कोई बात नहीं आप लोग फिर भी कर दिएगा।